नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 1,37,000 शिक्षक बेसिक शिक्षा में हमें भर्ती करने हैं, लेकिन हमारे पास योग्य लोग ही नहीं है कि वे लोग आकर के इस कंपटीशन को फाइट कर सकें और योग्य शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित कर सकें। UPTET के बाद प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती आने का आसार है। इस बीच 69,000 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मुहिम छेड़ दी है जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके। उनकी मांग 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त करीब 26,000 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने की है। ये अभ्यर्थियों इंटरनेट मीडिया के साथ ही जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर अपनी मांग शासन तक पहुँचाने की गुहार लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1.37 लाख शिक्षा मंत्रियों के खाली पदों को भरने के लिए दो भर्ती कराने का आदेश सरकार को दिया था। 68,500 शिक्षक की पहली भर्ती के लिखित परीक्षा में केवल BTC व शिक्षा मित्र ही शामिल थे, जिसमें लगभग 41,556 ही उत्तीर्ण हो पाए थे। दूसरी 59,000 भर्ती में बीएड को भी सशस्त्र मान्य किया गया, जिसके रिकॉर्ड 12 लाख आवेदन हुए और 1.46 लाख परीक्षा उत्तीर्ण हुए। उनमें से करीब 65,000 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति मिल सकी, बाकी चयन से बाहर हो गए थे। आज चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि पहली भर्ती में 26,000 सीटें खाली रह गई थीं, जिस पर शासन की ओर से बताया गया था कि योग्य अभ्यर्थियों नहीं मिल पाए हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक दूसरी भर्ती में योग्य की भरमार हो गई है, इसलिए उन्हें अब मौका दिया जाए।